यो गाइस, थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पर है। जो हमारे स्प्रिंट बटन देख सकते हो, मैं दौड़ रहा हूँ और थोड़ी सी ये स्पीड में दौड़ रहा है। चलो मैं इसकी स्पीड वगैरह को कम कर लूँगा, लेकिन देखो जब हमारे WSG करके जो हमें स्प्रिंट करना पड़ता था उसका पूरा 101% सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। स्प्रिंट करने के लिए जो हमें बटन को होल्ड करके रखना पड़ता था उससे स्प्रिंट हो जाता, लेकिन इधर उधर कैमरा हमारा मूव नहीं होता था। इधर उधर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, WASD को प्रेस करना पड़ता था, लेकिन अभी आपको लोगों को ये नहीं करना पड़ता यार, मैंने जंप वाला दबा दिया या ऊपर आ गया। तो चलो आज का देखो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो नॉर्मल मेरा कैमरा इधर उधर हो रहा है। हाँ, आपको स्प्रिंट बटन इसके लिए आपको प्रेस करके रखनी पड़ेगी, लेकिन आपको इधर उधर कैमरा एंगल करने के लिए आपको WASD का यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको जो नॉर्मल तरीके से करते हो तब उस तरीके से ही करना पड़ेगा। तो चलो मैं आज का वीडियो आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। आज का वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है और ऐसे मेरे डेली हर वीडियो रोचक होते हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। अरे भाई 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 उल्टा बोल दिया यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो हैंड कैम प्रूफ, ताकि आप लोगों को पता चले ना यार कि स्पिन करने से दौड़ता है। अब कैसे बताऊं यार, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हूं क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं, तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पर देखो स्प्रिंट को प्रेस करके रखता हूँ तो इधर उधर होता है। मैं मेरे माउस को इधर उधर करता हूँ तो मेरा कैमरा एंगल इधर चेंज होता है। जबकि अगर हमें इधर उधर कैमरा एंगल चेंज करना पड़ता था तो WASD को प्रेस करना पड़ता था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है इस वाली ट्रिक के लिए, मतलब जो आपको स्प्रिंट बटन रहता है इसको नॉर्मल जैसा कैसे करना है होल्ड एंड प्रेस की जगह। इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा क्राफ्टलैंड वाला मैप, ठीक है। अभी क्राफ्टलैंड में ही वर्क करता है, बाकी किसी चीज़ में वर्क नहीं करता। और क्राफ्टलैंड में भी ये वाला पेड़ मैप, जिसमें आप लोगों ने कभी खेला हो, नहीं भी खेला हो तो मैं आपको इस मैप के बारे में बता दूँ। ये मैप ऐसा मैप है जिसमें आपको नीचे एक मोड यानी गोड प्लान यानी गोड मोड APK करके एक देखने को मिलता है। यह कुछ नीचे इस प्रकार का, आप जब इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको कुछ पासवर्ड डालना पड़ता है। जैसे इसका पासवर्ड अभी तो जब मैं इसको बना रहा तब तो 646 पासवर्ड था इसका। इन फ्यूचर आगे इस भाई ने चेंज कर दिया हो, जो भी इसने बनाया उसने इसके पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो मुझे पता नहीं। अब मैंने यहाँ पर कोड डाल के इसको कन्फर्म कर दिया। इसके बाद मैं फिर से उसी जगह पर मैं जाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरे को देखने को मिलेगा पैनल गन। तो आप इसमें क्या होता है कि पैनल जो गन यानी जो जिस भी गन जो जो इसमें दे रखी है उन गन से अगर आप किसी को फायर करोगे तो डायरेक्ट ऑटो हेडशॉट लगेगा, यानी कि हैक जो मोड APK रहता है वो लगेगा। इसके बाद यहाँ पर बैक जंप और हाई जंप और फास्ट स्पीड ये सब चीज़ भी दे रखी है। अब जो इसमें हमने बैक जंप को ऑन किया है ना, जो बैक जंप और हाई जंप से मतलब नहीं है, जो बैक जंप सिर्फ हमने ऑन किया है उसकी वजह से हमारा जो स्प्रिंट हो रहा है ना ये नॉर्मल तरीके से हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और बैक जंप है ना इसको सिर्फ मैं ऑन ऑफ करूँगा ना। अगर मैं इसको ऑफ कर लूँगा तो जो हमारे फिर से WASD वाला प्रेस करना पड़ता है हमें वही करना पड़ेगा जो अभी एटलीस्ट लेटेस्ट में है। लेकिन मैं यहाँ पर रुक के अगर मैं मेरे जो उसको हाई जंप को ऑन कर दूंगा तो फिर से मेरा हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर मैंने प्रूफ के साथ बताया तो उसने मार दिया मेरे को। अब यहाँ पर देखो मैंने फिर से इसको मैं ऑन कर लूँगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से इसको WASD को ऑन कर लिया, अभी इसके बाद मैं देखूँगा तो मेरा जो नॉर्मल तरीका से स्प्रिंट होता है वही हो रहा है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि आप मोड APK में जाके आप उसको ऑन कर सकते हो, तो वहाँ से जैसे आप हाई जंप को ऑन करोगे। अब इसका क्राफ्टलैंड का मैप आपको कैसे लेना है तो वो आपको किसी फ्रेंड से ले लेना है। मेरे पास इसका कोड बिल्कुल भी नहीं है, अगर कोई जो दानी व्यक्ति हो सकता है वो कमेंट में इसका कोड दे देना, मैं उसकी कमेंट को पिन कर दूंगा। और गूगल प्ले बेटा में क्राफ्टलैंड तो आपको पता है आपके दोस्तों से ही लगवाना पड़ेगा, और फिर आपके दोस्तों को एक बार बोल देना कि एक बार मैच स्टार्ट कर दे उसके बाद यार हम सब खेल लेंगे। तो इसमें देख सकते हो आप बिल्कुल ही सही तरीके से हमारा स्प्रिंट जो ओल्ड तरीके था वैसा का वैसा ही काम कर रहा है। इसमें सिर्फ आपको स्प्रिंट बटन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, WASD को आपको नहीं यूज करना पड़ेगा। मुझे पता है जो लेटेस्ट वाली जो स्प्रिंट बटन है वो बहुत ही बढ़िया वाली है, मेरे को भी अच्छी लगती है, पसंद आती है। लेकिन आप एक बार इस वाली ओल्ड वाली स्प्रिंट बटन में भी खेल कर देखना, ये वाली स्प्रिंट बटन भी बहुत ही अच्छी थी और इसमें भी बहुत ज्यादा मजा आता था हमारा, क्योंकि गूगल प्ले बिटा एक इमुलेटर ऐसा है जिसमें हेडशॉट बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए सब तरह की इसमें स्प्रिंट बटन में मजा आता है। आपको बहुत ही सिंपल इसमें चीज को यूज करना, आपको सबसे पहले एक क्राफ्टलैंड मैप बनवा लेना। कौन सा वाला, ये वाला क्राफ्टलैंड बनाना गोड मोड वाला जिसमें आपको हैक वाला मिलता है सब कुछ। इसमें जाकर आपको सिर्फ हाई जंप नहीं बैक जंप को ऑन कर देना है, इतना आप करोगे उसके बाद सिर्फ आपका ये हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा चीज तो कोई डिसबैलेंस होता है गेम, मेरे को पता है ये सब चीज बेकार चीज है क्योंकि इसमें हैक लगा के खेलोगे एक मोड में आपको मजा नहीं आएगा क्राफ्टलैंड में। लेकिन बस आप टेम्परेरी ऐसे गूगल प्ले बिटा का मजा लेना चाहते हो तो आप उसके लिए इस मैप को खेल सकते हो। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।